आज आप एक ऐसी प्रेम कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपने सुनी नहीं होगी। आज दिन तक आपने कभी शाहजहां और मुमताज की कहानी सुनी, कभी हीर रांझा की सुनी, कभी लैला मजनू की। इनका नाम था दशरथ मांझी, रहने वाले थे गिलोर गांव के और गया डिस्ट्रिक्ट बिहार के। 1934 में इनका जन्म हुआ। गिलोर गांव है ना, इतना पिछड़ा हुआ था कि वहां पे न तो पानी था, न अस्पताल थी, न स्कूल था। पानी के लिए भी 5-5 किलोमीटर अगले को जाना पड़ता था। हालत इतनी खराब थी। इन्होंने 1956 में भाग के प्रेम विवाह किया और इनके नाम था, उनका नाम था फाल्गुनी, ये उसको प्यार से बोलते थे फगुनिया। ठीक है, 1956 में 1960 तक इनके दो बच्चे हुए। 1960 की बात, उस समय क्या था, गिलोर गांव से कुछ भी जाने के लिए पास का कस्बा जो था वो वजीरपुर था, और वो पहाड़ से होके जाने में कम से कम 80 किलोमीटर लगता था, और उस जमाने के बिहार में 8 घंटा लगता था। या फिर पूरा पहाड़ पार करके जाओ तो उसमें कई लोग गिर जाते थे, लगती थी कोटी। 1960 की बात है, एक बार दशरथ मांझी वहां पे पत्थर तोड़ रहे थे, तो इतने में जो उनकी फगुनिया थी उनको खाना पहुंचाने वहां पहुंची। खाना पहुंचाने जैसे ही पहुंचती है ना, उसका पांव फिसल गया और वो ऊपर से नीचे गिर गई और जबरदस्त वो जख्मी हो गई। अब उनके पास 7-8 घंटा में, वो जब तक वजीरपुर पहुंचे वो उनकी डेथ हो गई। तो दशरथ मांझी के लिए इतना बड़ा हादसा हो गया कि उससे बड़ा हादसा उनके लिए कोई हो नहीं सकता था। तो जीवन में उन्होंने इतना बड़ा हादसा देखा ना, वो थोड़े दिन तो दुख में रहे, फिर उनके मन में आया कि इस पहाड़ के कारण अगर मेरी फगुनिया को समय पे अगर इलाज मिल जाता तो मेरी फगुनिया बच जाती, और मेरी फगुनिया को ये बीच में आने वाला ये पहाड़ है। तो उनके दिमाग में आया और उनके मन में आया कि मेरे जैसा कोई अपने और प्यार को नहीं खोए। तो 1960 में खाली अपनी जो बकरी थी ना वो बेच दी और एक हथौड़ी और छेनी से उसने पहाड़ तोड़ना चालू किया, और पहाड़ पे जाके बोला कि जब तक हम तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं, और पहाड़ तोड़ना चालू किया। और पहाड़ तोड़ना, आप सोचिए, ना दिन देखा ना रात, ना सर्दी देखी ना गर्मी। अगले ने 22 साल तक, कितना, 22 साल तक सुबह से शाम तक अगला पत्थर तोड़ता रहा और पहाड़ तोड़ता रहा। और पहाड़ कितना बड़ा लंबा चौड़ा तोड़िया, 25 फुट ऊपर, 30 फुट चौड़ा और 360 फीट लंबा। अकेले आदमी ने, लोग समझते थे पागल, जब आके बोलते थे कि माजी तुम पागल हो गए, ये तुम्हारे में ताकत कहां से आती थी, ये बोलता था मेरा प्यार का बल है, ये जो बल है वो मेरा प्यार का बल है, ये ऐसे नहीं आएगा। फिर जैसे जैसे वो, एक बार एक आदमी आया, वो बोला कि आप जो ये कर रहे हो इससे क्या होगा, भगवान के, भगवान के। तो उसने बोला का बाबू का भरोसा, तुम समझते हो कि तुम भगवान के भरोसे और भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है, भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है और तुम काम ही नहीं कर रहे हो। उस आदमी ने 22 साल में 1900, आज ये हालत है कि 60 गांव के लोगों को फायदा हो गया। और उस आदमी ने प्यार के लिए इतना जो काम किया ना, 1900 उनको बाद में पद्मश्री के लिए नामित किया गया, और जब उनकी डेथ हुई ना तब उनको राजकीय सम्मान दिया गया। आज उनके नाम से उसको जो है ना वो लव रूट बोलते हैं, प्रेम पथ, जिसका भी प्रेम का काम होता है वो वहां जाता है। तो ये जो आप ये सोचिए कि पति पत्नी का प्रेम कितना गहरा होता है। फिर इसके बाद आमिर खान ने इसके ऊपर सत्यमेव जयते का सेकंड सीजन में सबसे पहला एपिसोड किया, और उसके बाद केतन मेहता ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को साथ में लेके माजी करके एक जबरदस्त मूवी बनाई थी। इतना शानदार, जानदार और जबरदस्त थे माजी, शानदार, जबरदस्त, जानदार, बहुत ही अच्छी स्टोरी, शानदार, जबरदस्त, जानदार।